लुटेरे तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन लूटपाट के लिए कोई गैंग हुस्न और सेक्स का जाल बिछाए, शिकार को सुनसान जगह तक ले जाए और फिर इत्मीनान से लूट कर फरार हो जाए, ऐसी अजीब मोडस ऑपरेंडी वाले गैंग के बारे में कम ही सुना होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा ये गैंग कुछ ऐसा ही है, जिसमें एक लड़की बाकायदा अपनी खूबसूरती का जाल बिछाकर लोगों को मनचाही जगह तक ले जाती थी और फिर उसके बाकी के साथ ही उससे मारपीट कर सारी कीमती चीजें लूट कर फरार हो जाया करते थे। इस गैंग का ये राज शायद इतनी आसानी से फाश नहीं होता अगर इन लुटेरों का शिकार बने एक शख्स की लाश दिल्ली के रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास से बरामद न हुई होती। दरअसल रोहिणी के प्रशांत विहार थाना इलाके में राजीव गांधी अस्पताल और रिठाला मेट्रो स्टेशन के बीच बीती 23 तारीख की रात को पुलिस ने एक 25 से 30 साल के नौजवान की लाश बरामद की। उसके सिर पर गहरी चोट थी। पुलिस ने तफ्तीश करते हुए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो उसमें एक ऐसे नौजवान की धुंधली सी तस्वीर नजर आई जिसे एक पुलिसकर्मी ने पहचान लिया। ये एक पुराना बदमाश था। पुलिस उस संदिग्ध तक जा पहुंची और फिर जब इस कत्ल का राज खुला तो खुद पुलिस भी हैरान रह गई। इस पर्टिकुलर केस में इन्होंने अपने ग्रुप में एक लड़की को भी शामिल कर लिया था जिसको हम लोगों ने अरेस्ट किया और ये तीनों इस समय एक पीवा झुग्गिया है सुल्तानपुरी में, वहां रहते हैं। अब इन्होंने नया सिस्टम अडॉप्ट किया था, नया मोडस ऑपरेंडी अडॉप्ट किया था। पायल पहले इलाके में घूमती थी और सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल फेवर के अपने आप को पोस्ट करती थी कि मैं एक सेक्सुअल सेक्स वर्कर हूँ और लोगों को इंटाइस कर लेती थी। फिर जब सिक्लूडेड जगह जाती थी तो ये दोनों लड़के आ जाते थे और अटैक करके उनको रॉब कर लेते थे। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए तीनों आरोपी लूटपाट के लिए बाकायदा हुस्न का जाल बिछाते थे। पायल नाम की लड़की रिठाला के आसपास के इलाके में रात को खड़ी होकर शिकार को रिझाती थी और फिर उन्हें फंसा कर किसी सुनसान जगह पर ले जाती थी जहां उसके बाकी के दो साथी आ धमकते थे और शिकार से लूटपाट कर फरार हो जाते थे। वारदात की रात को भी पायल सड़क पर खड़ी अपने किसी शिकार का इंतजार कर रही थी। तभी वहां सड़क से निकल रहे दीपक नाम के एक नौजवान ने उससे बातचीत की। पायल उसे सड़क किनारे झाड़ियों में ले गई जहां उसके साथी अजय और मोंटी आ गए और फिर तीनों ने दीपक से लूटपाट शुरू कर दी। जब दीपक ने इसका विरोध किया तो उन्होंने एक चारपाई के पाय से उसके सिर पर जोरदार वार किया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और फिर उसका सारा माल लूटकर फरार हो गए। गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाशों पर हत्या का प्रयास, लूटपाट और सेंधमारी जैसे करीब 30 मामले दर्ज हैं। दीपक के परिवार वालों ने भी मंगोलपुरी थाना इलाके में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सेम मोडस ऑपरेंडी आप कह सकते हैं, उसमें लड़की का तो रोल नहीं था पर उसमें भी इन्होंने रॉबरी करने की वजह से वो वारदात को अंजाम दिया था। सर लड़की का क्या प्रोफाइल है? लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और अपने घर से भागकर अभी झुग्गियों में रह रही है, सुल्तानपुरी के झुग्गियों में, और इसके बारे में अभी हमें फर्दर जानकारी करनी है कि ये किस सर्कमस्टांसिस से मैं यहाँ पे आई है। मोंटी है, उसके खिलाफ तो मैंने बताया 18 केसेस हैं और अजय के खिलाफ 10 केसेस हैं, नहीं 11 केसेस हैं जिसमें एक केस मर्डर का है, 10 केस हैं बगलरी के। और जो मर्डर 2016 का है प्रशांत विहार के एरिया में हुआ था, सेम मोडस ऑपरेंडी थी उसमें भी ये दोनों इन्वॉल्व थे। लड़की के खिलाफ कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला। बहरहाल पकड़े गए अपराधियों से पुलिस अभी पूछताछ कर रही है ताकि और मामलों का खुलासा हो सके, लेकिन यह भी जरूरी है कि पुलिस ऐसी जगहों पर अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाए जिससे बढ़ रहे स्ट्रीट क्राइम को रोका जा सके।